गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया रहेंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम महसाना। आज हम महसाना में और आज हम यहाँ से जाने वाले हैं मोढेरा सन टेंपल में। तो बस नहा भी के हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया, बस अभी राइडिंग जैकेट पहनना है, पैंट पहननी है और फिर लोड करनी है काशी और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो चलो मिलते हैं रास्ते पर। तो गाइस ऑल सेट, काशी लोड हो चुकी है, सब लोग रेडी है, बस यहाँ से अभी निकलना है। काफ़ी लेट हो गया, इनफैक्ट द इनिशियल प्लान वॉज 9 बजे यहाँ से निकलेंगे। इट्स ऑलरेडी 11 past 11, इनफैक्ट 11:30 कुछ हो रहा है। तो चलो अभी कोई नहीं, आए हैं तो अभी लेट तो होगा, बड़ा ग्रुप रहता है तो सबका अलग अलग टाइम फ्रेम रहता है, अलग अलग टाइम लाइन होता है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको रोड पर, तब तक के लिए बने रहिए। सो गाइस चलो, कितनी बार बोला मैं रेडी टू रोल, लेकिन अभी सो गाइस सब रेडी हैं, बस अभी सैडल पे चढ़ना है और फिर निकलते हैं। 2000 years later। सो गाइस थोड़ी गर्मी हो रही थी लेकिन अभी ठीक है, क्योंकि अभी हवा लग रही है ना, अभी जैकेट में हवा जा रही है, अभी अच्छा लग रहा है। तो ज़्यादा नहीं, 36 किलोमीटर है हमारे होटल से मोढेरा का सन टेंपल। पिछले बार मैं जब ये आया था यहाँ पे तो ये रोड छोटी हुआ करती थी, अभी काफ़ी चौड़ी हो गई है। इनफैक्ट रोड डेवलपमेंट है ना पूरे इंडिया में अच्छा खासा हो रहा है। दैट्स वन थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट दिस गवर्नमेंट, दैट दे आर यू नो इन्वेस्टिंग हैविली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। Here next to me, something's wrong. Wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is not the real. So, guys, we have reached सन टेम्पल मोढेरा। सामने सन टेम्पल है, ये इनका बुकिंग ऑफिस है। पिछली बार मैंने वहाँ पे गाड़ी लगाई थी, इफ यू रिमेम्बर। अगर आप नए फॉलोअर हो मेरे तो आपको मालूम नहीं रहेगा, बट अदरवाइज हम यहाँ पे भी पहले आए थे। ओह, यहाँ पे चढ़ाने के लिए क्या, मैंने देखा ही नहीं। गुड, सो गाइज आपने जैसे देखा दी एंट्री फी फॉर इंडियन इज 25 रुपीज, वेयर एज फॉर फॉरेनर्स इट इज 300 रुपीज। दिस इज द सन टेम्पल का एंट्री। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट दिस टेम्पल, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। मैं पहले भी आया था यहाँ पे, दिस इज सेकेंड टाइम आई एम कमिंग टू दिस प्लेस। बीइंग ए वीक डे भीड़ कम है, वीकेंड को भीड़ रहेगी शायद से। और अभी शुरू हो जाएगा फोटो सेशन, बिकॉज दिस प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल और लोग अभी यहाँ पे फ़ोटो निकालना शुरू कर देंगे। पिछली बार इसमें पानी था, अभी पता नहीं, पानी मुझे कम लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम आई रिमेम्बर थोड़ा ऊपर और पानी था। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। सो निर्भय भाई की व्लॉगिंग चल रही है। हेलो,
सो गाइस आप देख सकते हो ये कितना भव्य है। यहाँ पे आइडल्स नहीं है, आइडल वर्शिप इन्होंने बहुत पहले ही बंद कर दिया क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे। अभी हम अंदर जाएंगे और फिर मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो आप ये जो देख रहे हो ये जो लोकल गाइड्स है जो इस सन टेम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेम्पल की इंफॉर्मेशन दी गई है। दिस इज़ इन गुजराती, दिस इज़ हिंदी, दिस इज़ इंग्लिश एंड फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल ये ब्रेल में है। विल जस्ट गो अराउंड द टेम्पल, एक राउंड लेते हैं और फिर हम अंदर जाते हैं। इवनिंग में ये काफ़ी खूबसूरत लगता रहेगा बिकॉज यहाँ पे देखिए ये सब लाइट्स वगैरह है, तो इट वुड बी अ डिफरेंट व्यू ऑल टुगेदर शाम को। लेकिन हमारा टाइम ऐसा है कि हमको अलग अलग लोकेशंस करके जाना है। कैसे हैं? प्रदक्षिणा है, भगवान की आप प्रदक्षिणा कर सकते हो। ये वो वाला हिस्सा है। अर्लियर यहाँ पे आइडल हुआ करता था, ये आइडल नहीं है। सो गाइज ये सामने जो है दिस इज द मंडप जहाँ पे नर्तकियाँ डांस करती थी टू प्रेज द लॉर्ड। ओ सुपर भाई क्या काम है, जबरदस्त। सो गाइज आप देख सकते हो ये जो आग है ये एक ही आग बचा हुआ है और बाकी तीनों टूट चुके हैं। Guys, this is really beautiful. So guys, निकलते हैं, काफी सारे फोटोज हमने निकाले। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। मतलब अगर इस तरफ आपका चाह रहे हो तो मेक श्योर दैट यू कम टू मेहसाना फर्स्ट। यहाँ पे आप मंदिर में आओगे सन टेम्पल, यहाँ से आप रानी की वाव जो मैं वहाँ पे जाओ एंड देन यू गो टू कच्छ सो दैट यू नो यू सी ओवरऑल फील ऑफ दिस रीजन। सो गाइस आप देख सकते हो ये आंटी जी ये स्क्विरल्स को कुछ खिला रही है और कितने सारे स्क्विरल्स वहाँ पे आए हैं। सो गाइस सन टेम्पल हो गया, अभी यहाँ से हम जा रहे हैं पाटन रानी की वाव देखने के लिए। म्यूजियम है जहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे हैं। आप यहाँ पे भी जा सकते हो बिकॉज आपका जो टिकट है इसमें ये भी इंक्लूडेड है, लेकिन पिछले बार भी हम गए थे तो अभी अंदर फिर से नहीं जाएंगे। आप मेरा पुराना वीडियो रेफर कर सकते हैं मेरी कच्छ वाली प्लेलिस्ट में। सो गाइस शायद से ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बिकॉज काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है आज के दिन में, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। तो गाइस दिस इज़ अ पार्किंग, अच्छी खासी पार्किंग है। ये इनके पार्किंग चार्जेस है, टू व्हीलर के 10 रुपये, कार के 30 रुपये, मिनी बस के 100 और मिनी बस के 50। इट्स अ वीक डे है, अगर वीकेंड होता था तो काफ़ी भीड़ होती थी यहाँ पे। सो गाइस हम निकल रहे हैं अभी सन टेम्पल से, काफ़ी लेट हो गया और जाएंगे रानी की वाव। 49 मिनट्स दिखा रहे हैं फॉर 36 किलोमीटर्स एंड इट्स ऑलरेडी 2:16, 2:15 हो रहे हैं यार, बहुत लेट हो जाएगा ये टाइम पे। इनफैक्ट हम टूवर्ड्स डोलावेरा निकलने चाहिए थे बट वी आर स्टिल हियर। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं।
अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, हवा लग रही है। तो यार ये अचानक ये बीच में हाईवे पे स्पीड ब्रेकर कौन डालता है यार। तो देख सकते हो पूरे अभी आपको है ना ये ऐसी एकदम पारछी नजर आएगा। यहाँ पे पानी कम होता है इसके वजह से आपको देखेंगे तो सब ये बेर वगैरह इमली के पेड़ है काटे वाले। थोड़ा थोड़ा ऐसा वो राजस्थान वाला फील यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो भाई अभी थोड़ी ग्रीनरी शुरू हो चुकी है, उस तरफ पूरा पारछी था, मतलब पूरा बंजर बंजर ऐसा लग रहा था। बट ये भी सारे इमली के पेड़ लग रहे हैं मुझे शायद से, नहीं सॉरी ये नीम के पेड़ है यार, नीम के पेड़ है, नीम के। 2000 years later. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रानी की वाव, ये पीछे है, लेकिन पहले हम लोग कुछ खाते हैं क्योंकि काफी भूख लगी है। यहाँ पे एक स्टॉल है जहाँ से हमने मंगाया है दाल पकवान। हम सिंधी कैंप में रहते हैं तो दाल पकवान हमको मालूम है क्या होता है, पहले भी खाया है, बट इनका ये सर्व करने का कुछ अलग तरीका है। तो अभी खाते हैं और देखते हैं इसका स्वाद कैसा है, टेस्ट कर लेना। चलो खा के मिलते हैं अभी। ये बस इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है, वो है कि हमारे यहाँ पे मूंग की दाल होती है, इसमें मूंग नहीं है, और हरी चटनी होती है जो नहीं है, लेकिन टेस्ट इज़ गुड बिकॉज ऑफ द मसाला। तो चलो अभी खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं और रानी की वाव देखने जाते हैं। 95% खत्म हो गया, अभी 5% बचा है। तो गाइस खाते गया, हमें खाते गया बहुत अच्छा मस्त है। या अपना कोपरी वाला जो है उसका अलग है टेस्ट, ये अलग है, मतलब 19-20 का फ़र्क है। बट इट इज़ गुड, ब्रेक लेने के बाद खाएगा जी इंसान, क्या बोल रहा है खाते। दिस इज़ रानी की वाव, वाव विच इज़ विच मीन्स अ वेल। रानी की वाव इसलिए क्योंकि ये एक रानी ने, क्वीन ने अपने बिलव्ड हस्बैंड के लिए बनाई थी कुपाज रवे। तो दिस इज़ दी टिकट विंडो, हम बताते हैं इसका टिकट का किराया कितना है एंट्री के लिए। सो इट्स 40 rupees फॉर इंडियन एंड फॉर फॉरेनर्स, फॉरेन सिटीजन इट्स 60 rupees, सॉरी 600 rupees। तो चलो अभी यहाँ से एंटर करते हैं। वैसे आपने मेरा पुराना व्लॉग भी देखा रहेगा अबाउट इट, बट दिस टाइम हम लोग इसको आईफोन से कर रहे हैं तो क्लैरिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी हैव लॉट ऑफ फॉरेन नेशनल्स एज वेल, सो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इट इज़ इन गुजराती, हिंदी एंड इन इंग्लिश। गुजराती है, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। सो जैसे मैंने कहा था कि ये स्टेपवेल जो है इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द क्वीन इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी, और दिस वाज डन उनके हस्बैंड के लिए वो पास रवे। सो अगर इसका भी आप देखोगे जो सराउंडिंग्स है बहुत अच्छी तरह से बनाया गया, इट्स लॉट ऑफ ग्रीनरी, तो इट्स प्लेजेंट टू योर आइज। ऐसे आप देखोगे तो ऐसे लगेगा यार कुछ भी नहीं है, क्या है ये, तो गार्डन है। बट ट्विस्ट तभी आता है जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे जो रेलिंग लगी है ना, एंड देन यू विल से ओ वाओ। सो गाइस थोड़ी सी धूप है यहाँ पे, बट इतनी फील हो नहीं रही है, इट्स ओके। तो चलो आगे चलते हैं, हमको है ना और 4 घंटे जाना है धोलावीरा के लिए। तो वी आर गोना स्टे धोलावीरा टुनाइट। धोलावीरा इज़ एन आइलैंड जो एक सॉल्ट लेक में है, उसका भी बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। या जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, दिस इज रानी की वाव इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और धोलावीरा भी है। तो देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस इन गुजरात विच आर पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अभी वो वक्त आता है जहाँ पे आप वाव बोलने वाले हो। सो गाइस आप पूछोगे व्हाट इज दिस, दिस इज 100 rupees नोट, और इस पे जो ये पिक्चर है व्हाट इज दिस, सो दिस इज रानी की वाव। वी आर गोइंग डाउन द वेल, बोलते ये 7 floors का है एग्जैक्टली, हाँ 7 ही है, और 3 या 4 floor हम लोग को अलाउड है नीचे, उसके नीचे अलाउड नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो सुपर्ब, दिस इज रियली वाव।
few moments later. तो गाइस अभी हमारी रानी की वाव देखे होगी और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी में किया मैंने क्योंकि हमको दूर जाना है। सुबह अगर हम जल्दी निकलते थे और थोड़ा समय यहाँ पे निकाल सकते थे, लेकिन अभी टाइम डजेंट परमिट क्योंकि 4 घंटे का रास्ता है हमें और ब्रेक वगैरह लेके शायद से 5.5-6 घंटे भी हो सकते हैं। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। बाइक तो लोडेड है, कुछ करना नहीं है, फिर रास्ते में कहीं पर मिलते हैं। सो गाइस हम निकल चुके हैं अभी रानी की वाव से और अभी हमें जाना है धौलागिरा, विच इज 196 किलोमीटर, 4 घंटे 6 मिनट दिखा रहे हैं और ये पत्ते मस्त लग रहे हैं, हवा के साथ नीचे आ रहे हैं वो। तो गुजरात में दिस इज अ प्रॉब्लम, काफ़ी सारे जानवर रास्ते पर होते हैं और आप इनके जब भी नज़दीक आते हैं अचानक ये बीच में आ सकते हैं। तो स्पेशली जब आप इसे थोड़े गांव खेड़े में से गुजरते रहेंगे तो ज़रा ध्यान दीजिए, बिकॉज मेन तो है एक लैंग्वेज एक प्रॉब्लम होएगा समझाने में, एंड अबाउट दैट आप दूसरी स्टेट से हो तो मेंटालिटी का भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ट्राई अवॉइड यू नो एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल्स, आप कहीं पे भी जाते हो तो। कनाल इरिगेशन वाली खेतों को पानी के लिए बनाया गया, क्वाइट ह्यूज, और आप देख सकते हो दोनों तरफ यहाँ पे काफी हरियाली है, काफी सारे खेत है। अगर नहर नजदीक से जाती रहेगी तो उसका ये फायदा होता है। और धूप बहुत तेज है यार, मतलब आंखों में लग रही है, सीधी सीधी धूप आ रही है, कभी से मैं हाथ ऐसे ऊपर पकड़ के चला रहा हूँ और थोड़ी देर के बाद ये सीधा आंखों में चुभने वाली है जब ये सूरज और नीचे आएगा। सो गाइस हम यहाँ पे रुके थे एक बायो ब्रेक के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी शांति है, कुछ भी नहीं यहाँ पे, बस ये एक आध गाड़ी जाती है उसी की आवाज आती है, अदरवाइज इट्स वेरी पीसफुल। निकलते हैं यहाँ से क्योंकि अभी 3 hours 21 minutes दिखा रहे 461 किलोमीटर्स, तो कम से कम ब्रेक में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस काटना है क्योंकि टारगेट ये है अंधेरा होने के पहले हम जितना हो सके डिस्टेंस क्रॉस करें। तो चलो गाइस चलते हैं यहाँ से। सुबह से हम एक गांव से जा रहे हैं, अरे बाप रे, इतने सारे गाय हैं यहाँ पे, जरा आपको बच के चलना पड़ेगा, कोई कभी भी बीच में आ सकता है। भाई बोल ना, फोटो ले ले। एक क्या 10 लेगा? अपने दोनों का अपने एक भी फोटो नहीं निकाल लिया भाई, हम लोग का फोटो ले। हमारे भाई दबा मत, पुराना है। नहीं नहीं मेरी वजन से नहीं गिरेगा, तू संभल गिरे। तो गाइस हम यहाँ पे रुके थे क्योंकि ये लोकेशन बहुत खूबसूरत है, वैसे तो बंजर है बट देयर इज़ ब्यूटी। मैंने जैसे कितने बार मैं कहता हूँ, खूबसूरती देखने वाले का आँखों में होनी चाहिए और कुछ नहीं, आपकी आँखों में अगर खूबसूरती है तो आप खूबसूरती ढूंढ ही लोगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो चलो अभी यहाँ से थोड़ी देर में निकलते हैं और फिर क्योंकि अभी भी अराउंड 126 किलोमीटर्स और बाकी है, सॉरी गाइस 152 किलोमीटर्स बाकी है, मतलब 3 घंटे लगभग, लेकिन और एक आध दो ब्रेक हो सकते हैं हमारे, चाय के लिए तो होना है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फिर मिलते हैं रास्ते में। यहाँ पे रुके थे क्योंकि निर्भय राय की गाड़ी में 30-35 किलोमीटर जाएगी, अब जैसे ही मतलब कच्छ के नज़दीक जैसे आते हो ना तो वो पेट्रोल पंप अपने आप कम होने शुरू हो जाते हैं। अभी ये पेट्रोल पंप है लेकिन ये बंद है, मुझे मालूम है पिछले बार भी मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था किस्सा। एक जगह पे मैंने
दो लीटर पेट्रोल 120 रुपए लीटर करके खरीदा था यार। धूप बहुत तेज हो गई है अभी, पूरे आंख में लग रही है, चुभ रही है। ये पेट्रोल पंप भी अभी बन रहा है। अरे चलो देखते हैं आगे। 2000 years later. सभी आखिर में हमें एक पेट्रोल पंप मिला, जान में जान आ गई, वरना बहुत इशू हो जाता था भाई। गाइस आप देख सकते हो शाम हो रही है और इट इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। मतलब अभी वो जो चुभने वाली जो धूप थी ना आंखों में, वो थोड़ी सी अभी सूदिंग हो रही है, अभी अच्छा लग रहा है, और थोड़ी देर में और अच्छा लगेगा। वी आर स्टिल लाइक 2 घंटे 29 मिनट लगने वाले हैं 114 किलोमीटर के लिए। हमने अभी पेट्रोल भर लिया क्योंकि अननेसेसरी मेरा चांस नहीं लेते। अगले पेट्रोल पंप जो आखिरी रहेंगे ना थोड़ा थोड़ा जाने के पहले, एंटर करने के पहले, वहां पे फिर से फुल कर देंगे। धीरे धीरे सूरज उतर आ रहा है, बस अभी शाम होने को है, लेकिन रात अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि हम हैं धोलावीरा में आज रात। सुबह से भी हमने चाय पिया यहाँ पे और निकल रहे, और 2 घंटे दिखा रहे, तो काफ़ी टाइम लगेगा। अभी भी अंधेरा हो चुका है आप देख सकते हो, 9:30 बजे तक पहुँचने चाहिए हम, देखते हैं लेकिन अभी कितने बजते हैं। चलो पहले इंटरकॉम कनेक्ट करता हूँ, फ़ोन जैसे इनके साथ आता है तो। ओके कनेक्टेड एंड वी रोल नाउ। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा अंधेरा है पूरा, और ये हमारे हैप्पी दिवाली, और हमें ऐसे ही अराउंड 70 किलोमीटर जाना है। नहीं बीच में थोड़ा सा उजाला वगैरह भी आएगा, छोटा सा काव वगैरह, बट फिलहाल तो ये हाल है। गाइस हम पता नहीं यार कहाँ पे आ गए, ये गूगल हमको आप देख सकते हो यहाँ से लेके जा रहा है, आई डोंट नो। अभी तो मैं गिरते गिरते बच गया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे इतनी मट्टी है, लूज मट्टी है। देखते हैं यार थोड़ा आगे जाते हैं, नहीं तो फिर यू टर्न मार के चुपचाप कार वाले रास्ते से जाएंगे। ये ऐसी रोड है क्या पूरा, ऐसी रोड है पूरा? हाँ हाँ ये मट्टी मट्टी ऐसी है, रोड है क्या? ओके हाँ हाँ मुंबई मुंबई चलो हाँ हाँ आगे अच्छा रोड है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ये देखो ना लेफ्ट में ना राइट में, और ये ऐसे ही एक रोड बना हुआ है। मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली ये रोड क्या है, क्योंकि गूगल हमें यहाँ से लेके आई, मतलब लिटरली पिछला जो पैच था अराउंड 2-2.5 किलोमीटर का, इतना गंदा था, मैं तो गिरते गिरते बच गया, मतलब गिरने ही वाला था। सामने से जब गाड़ी आती है ना, गाड़ी सामने से आती है तो ऑक्सीलेट बंद कर। रेस 40 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गए, हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं अभी है ना। आप राइट राइट पे देख सकते हो कुछ लाइट वगैरह, मतलब सिविलाइजेशन दिखाई देने लग गया है। अभी तक तो कुछ भी नहीं था, मतलब यू आर लाइक लॉस्ट। व्हाट डज दिस से? बोला सर 24 किलोमीटर। गाइस ये देखो आज जो हम एडवेंचर कर रहे हैं, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का है। अभी भी 35 मिनट दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 बज गए,
सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ढोलावीरा और हम जहां पे रहने वाले हैं, सो दिस इज़ अ होम स्टे। मैं आपको दिखाता हूं अंदर का एम्बियंस, इतना सुपर है ये, एकदम ट्रेडिशनल। तो ये अपना बेड है। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सनराइज दैट आई हैव सीन। हम पहुंच चुके हैं चिपर पॉइंट। ओह शिट, हमको यहां से पर भी आना है तो भाई साहब, दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल।